नमस्कार, प्रोग्राम तारे आते ने वेख रहे साढ़े सारे ही दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। सो अज जिहड़ा है प्यारे दर्शकों 25 मार्च नूं दिन है शनिवार तो राहु काल जिहड़ा हैगा 9 बजे तो लैके 10:30 बजे सवेर तक है, यानी कि इहदे विच कोई भी शुभ काम ना करियो। पंचकां स्टार्ट हो रही अज 4:57 सवेर तो चलन गया 29 मार्च 11:39 तक। सो सवेर के इहदे विच भी कोई शुभ काम ना करियो। सो जिहड़े भी लोगों ने ज्योतिष के उत्ते विश्वास नहीं है अपने अपने टीवी सैट बंद कर दो, तो जिन्हों ज्योतिष के उत्ते साढ़े उत्ते विश्वास है कॉपी पेन ले लो तो नोट करना शुरू करो। असी गल कर रहे टेंकी की। सो जिहड़ा दक्षिण पूर्व यानी कि अग्नेय कोण हैगा उहदे विच ओवरहैड टेंकी रखना वर्जित हैगा। इत्थे पानी की टेंकी बिल्कुल नहीं रखनी क्योंकि अग का एरिया हैगा। पश्चिम दिशा के स्वामी वरुण देवता ने, सो हवा, सो इसलिए जड़ा है वर्षा देवी देवता है। इतने पानी की टेंकी रखने के कोई हर्जा नहीं है, लेकिन कुछ प्रीकॉशनस रखनिया जरूरी है। इदा ही वायुकोण के यानी कि नॉर्थ वैसट के टेंकी रखने के हर्जा नहीं है, लेकिन इस दिशा के जड़ा है टेंकी होने के पानी बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो जाता, तो वार बार टेंकी भरन की आवश्यकता होंगी है। जे थोड़े घर के भी पानी की टेंकी सही जगह पर नहीं लगी तो माइट भी कि थोड़े घर के बहुत सारिया प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सो उन्होंने सारिया प्रॉब्लम्स को दूर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तुम अपने घर का वास्तु चैक करा सकते हो। नवरात्रे आ रहे हैं, सो माँ गौरी जी तो शैलपुत्री जी इन्हों की पूजा भी करनी है बहुत सारे भक्तों ने। सो माँ गौरी जी तो शैलपुत्री जी ने सफेद तो लाल रंग के फुल पसंद ने। सुहागन स्त्रियों को लाल फुलों के नाल माँ की पूजा करनी चाहिए जिस सुहाग की उम्र बढ़ती है। कुवारियां कन्या भी जड़ा है लाल रंग के फुलों के नाल ही माँ की पूजा करनी चाहिए है। हुण गल करांगे अज थोड़ी जी छे मुखी रुद्राक्ष के बारे। छे मुखी रुद्राक्ष कार्तिकेय जी का स्वरूप मनिया जाता है। ये ब्रह्म हत्या तक के पाप के दोष तो मुक्ति दिलाता है। सो इस रुद्राक्ष को धारण करने के नाल भगवान कार्तिकेय जी तो भगवान गणेश जी की कृपा होंगी है। शुक्र ग्रह के शुभ फलों के वाधा होंगे। सो नवरात्रे आ रहे हैं, सो उहदे विच बहुत सारे उपाय, बड़े सारे ध्यान रखने योग चीज़ां नोट करो। सब तो पहला तो जदों भी तुसीं साधना करदे हो तो कंबल या कुछ दा बनया होया आसन ही रखना है। पूजा दे विच काम आने वाला दीपक, घ्यो, तेल, चावल, कुमकुम, रोली, केसर, जो कुछ भी तुसीं रखना है, सो इह सारियां वस्तुआं रख के पहला तो ही तैयारी करनी चाहिए है। सब तो इंपोर्टेंट जाप करन दे लई जिहड़ी माला है उहनूं संभाल के रखना है, तो अपने नाल जो साधना करने वाले व्यक्ति है, जे होर भी व्यक्ति साधना करे तो गौमुखी का प्रयोग करो, वो रख के माला के नाल जाप करो ताकि माला का जप करते हुए थोड़ा हाथ किसी को नज़र ना आए। सो बहुत सारे दिनों तो असं दुध की चर्चा कर रहे थे, जोड़े बच्चे दुध नहीं पीते उन्होंने लिए या जोड़े व्डे भी दुध नहीं पीते, कैल्शियम की कमी होंगी है, हड्डियाँ दुखती हैं, उन्होंने प्रॉब्लम आदि हैं। सो दुध के इंपोर्टेंट चीज़ है कि जी प्रैगनेंट गां है वह दुध जोड़ा है उदे प्रैगनेंट होने तो 3 महीने पहला जड़ा है पित्त कारक नमकीन ते मिठा हो जाता है। फिर नाल ही जड़ा है ताज़ी जड़ी प्रैगनेंट गा हैगी है उदा दुध जड़ा है रक्त विकार पैदा करने वाला होंदा, पित्त नूं वधाउण वाला ते रुखा होंदा है। तो बहुत दिनों तो जड़ी प्रैगनेंट गा होंदी है उदा दुध जड़ा है नमकीन ते मिठा ते दाह कारक होंदा है। छोटे बछड़े वाली गां जड़ी है उदा दुध त्रिदोष कारक होंदा है। सो बाखरी गां दा दुध जड़ा हैगा वह बल कारक, तृप्ति कारक, वात कारक, पित्त नाशक होंगे, जिन्हों जड़ा है रात के पीना बहुत ज़्यादा लाभकारी होंगे। सो इदा ही जड़ा खल तो सानी खाने वाली गां का दुध जड़ा कफ नूं वधाउण वाला होंगे, घा तो बिनोले खाने वाली गां का दुध जड़ा सर्व रोग नाशक होंगे। सो ऐसी गां जी है सारे रोगों के सारे लिए ही लाभकारी होंगी है। सो जे थोड़ा अज का एपीसोड वधिया लग्या तो इसनों जरा अपने दोस्तों के नाल शेयर जरूर करियो कम से कम, तो नाल ही नाल साडे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर सुखवंदर लुधियाना इंडिया को सबसक्राइब करना ना भूलियो। तो साडा जो वट्सएप नंबर है 9872620533 ये अपना नाम, सिटी नेम, कंट्री नेम भेज के तुम साड़ी लिस्ट के ऐड हो सकते हो, जिंदा साढ़े बहुत सारे अपडेट्स को आते रहेंगे। हम अज का राशिफल, मेष राशि वाले जातकों को जोड़ा अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से छाने का मौका मिलेगा, जबकि वृष राशि वाले विदेश की उड़ान थोड़ा इंतजार कर सकती है। मिथुन राशि वाले बिना किसी कारण तो उलझन पई रहेगी। कर्क राशि वाले में बहुत फायदा उड़ रहेगी, जबकि सिंह राशि वाले वड्डे काम थोड़े सिरे चढ़ सकते हैं। कन्या राशि वाले की अब दुश्मनी पै सकती है किसी नाल। तुला राशि वाले जातक दूर दुराडे तो चंगे सुख सुने आ सकते हैं। वृश्चिक राशि वाले मान सम्मान की हानि हो सकती है। धनु राशि वाले के लिए अज का दिन जरा पिता जी की मदद नाल कोई वड्डा काम सिरे चढ़ सकता है। मकर राशि वाले जातक जड़े ने स्टडी के अच्छे नतीजे मिल सकते हैं।
कुंभ राशि वाले जो है दूरों दूरों मेहमान मिलन आ सकते हैं। तो मीन राशि वाले अज का दिन जो है थोड़े लिए बहुत वधिया साबित हो सकता है। सो बहुत सारे दर्शक पूछते हैं सुखमिंदर जी असं भी आके थोड़ा मिलना चाहते हैं, तकदीर का हाल जानना चाहते हैं, थोड़े तो रतन तो रुद्राक्ष लेके पाना चाहते हैं, वास्तु का विजिट कराना चाहते हैं या नक्शा चेक कराना चाहते हैं। प्यारे दर्शकों सारिया चीज़ों के लिए सब तो पहला टाइम लै सकते हो, फिर आके पूछ सकते हो या टैलीफोनिक अपॉइंटमेंट लै सकते हो। साडा पता नोट कर लो, एस्ट्रोलॉजर सुखमिंदर 30G सराबा नगर लुधियाना पंजाब इंडिया, फोन नंबर 9417020533 से, वट्सएप नंबर है 9872620533। जान तो पहला यही कहोंगे सब तो वड्डा दरसा माँ का, जो भी घरों जाते हैं माँ के चरण छू के जाओ, पिता जी का आशीर्वाद लेके जाओ, गुरु जन के दसे रस्ते से चलो, झूठा बोलो, गाला ना कंडो, किसी का माड़ा ना करो, तकदीर बहुत वधिया हो जूगी, धीन को खंघ ना मारियो, हर घर के बाहर एक रुख जरूर लगाइयो, नशा तो परहेज करियो, तो 10 बंद कड़के ने कम्मच खर्च करते रहियो, थोड़ी सारी लाइफ बहुत वधिया होगी। कल फिर मिलांगे, नमस्कार।